सर नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार पाल खेर नगर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से साइंस टू के इस सत्र में आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज साइंस टू के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, ये चैप्टर का नाम है बच्चों। और इसके जो सब टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं वो देखेंगे। पहला है बच्चों तांत्रिकी नियंत्रण, अर्थात नर्वस कंट्रोल। दूसरा है बच्चों तांत्रिकी कोशिकाओं के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। तीसरा है बच्चों मानवीय तंत्रिका तंत्र, अर्थात द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है आज का, ये हमारे शरीर से संबंध रखता है, सर से लेकर के पैर तक, कि किस प्रकार की नसें वगैरह जो हैं जुड़ी हुई हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। अब शेयर स्क्रीन के माध्यम से अभी आप लोग देख पाएंगे, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। शेयर स्क्रीन पे आप लोग अभी देख सकेंगे। हाँ, ले बच्चों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी साइंस टू की किताब है, ये हमारी साइंस टू की किताब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 15, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसके टॉपिक्स जो है आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था, तांत्रिक नियंत्रण, तंत्रिका कोशिकाएं उसके प्रकार, और मानवीय तंत्रिका तंत्र। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि ये तांत्रिक जो नियंत्रण है, तांत्रिक कंट्रोल है, वो होता क्या है। आप सभी को पता है कि हम कहीं ना कहीं रहते हैं, हमारे आसपास जो भी वातावरण पाया जाता है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, तो वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, आपको पता है कि पर्यावरण में हमेशा जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, कभी मौसम ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी मौसम ठंड हो जाता है। तो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, उसका जो असर है वो हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। और जैसे ही ये परिवर्तन हमारे शरीर में पड़ता है, तो तुरंत हमारे दिमाग को मालूम पड़ जाता है कि अगर गर्मी है तो हम पंखा चालू कर देते हैं, ठंडी है तो सोते समय हम लोग कंबल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बाहर निकलते समय अपना प्रिकॉशंस रखते हैं। तो इस तरह से तंत्रिका नियंत्रण, अर्थात पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों पर रिएक्शन करने की जो क्षमता होती है मानव को, जिसके द्वारा प्राप्त होती है, उसे ही हम तंत्रिका नियंत्रण कहते हैं, अर्थात नर्वस कंट्रोल कहते हैं। तो बच्चों, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका कंट्रोल क्या है, तंत्रिका नियंत्रण क्या है, तो आप
इतनी जानकारियों को ध्यान में रख सकते हो और इसको लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों, जो हमारा शरीर है उसके अंदर बहुत सारे तंत्रिका पाई जाती हैं। देखते हैं तंत्रिका कोशिका होती क्या है। आप लोग भी अपने स्क्रीन पर इसको पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा, टेक्निकल वर्ड्स हैं थोड़े साइंस के। तंत्रिका कोशिका जिसको बच्चों हम न्यूरॉन कहते हैं, और जो न्यूरॉन होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जब किसी संतान की उत्पत्ति होती है, जन्म से लेकर के अंतिम समय तक जो भी न्यूरॉन्स उसके शरीर में रहते हैं वही अंत तक चलते हैं। न्यूरॉन्स अगर खराब हो जाते हैं, न्यूरॉन्स अगर जम जाते हैं तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, नया न्यूरॉन्स जो है निर्माण नहीं कर सकते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं होती क्या हैं? शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक जो संदेश होता है वो पहुंचाया जाता है। जैसे कि अगर पैर में अगर किसी मूंगी ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया तो तुरंत इसका जो असर है हमारे ब्रेन को मालूम पड़ जाता है। इसका मतलब है कि सर से लेकर के ब्रेन के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। तो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन करने वाली जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और बच्चों, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इसी से तो इंसान का शरीर पूरा बनाया गया है। इंसान का जो शरीर है वो कोशिका से ही बनाया गया है, क्योंकि कोशिका ही उसकी संरचनात्मक इकाई है और उसी से कई कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो उसी से बन जाता है ऊतक। इसको आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। मानवीय तंत्रिका कोशिकाओं की जो लंबाई होती है वो कई मीटर होती है, और तंत्रिका कोशिकाओं में बहुत सारे जो एक्शंस रिएक्शंस हैं वो सब चलते रहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी जो है वो कोशिका ही है। आप आगे देख सकते हो कि इस स्लाइड के माध्यम से इंसान का जो शरीर है पूरा कोशिकाओं का ही जाल है, पूरा कोशिकाओं से ही बनाया गया है। तो इसी को हम मांसपेशी भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर जो आप बगल में देख रहे हो यही है आपकी तंत्रिका कोशिका। ये जो देख रहे हो ये तंत्रिका कोशिका है और ये मनुष्य का पूरा शरीर है। उसके अंदर से किस प्रकार से कोशिकाओं का जाल जो है वो बनाया गया है, हर एक रचना जो है की गई है। अब जो चेतापेशी है उसी को हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, जिसको आपने अभी पिछले डायग्राम में देखा, यही सेम चीज है और ये पूरा सिस्टम है इंसान के शरीर का। इसी के अंतर्गत एक पाया जाता है तंत्रिका श्लेष्म। तंत्रिका श्लेष्म क्या है बच्चों? तंत्रिका श्लेष्म जो है कोशिकाओं को, जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ये कोशिकाओं को आधार देने का कार्य करती है। तंत्रिका श्लेष्म जो है ये इसका काम क्या है, ये कोशिकाओं को आधार देती है तथा उनके कार्य में मदद करती हैं। तो अगर तंत्रिका श्लेष्म के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या होती हैं, तो आपको इतना ही लिखना है कि तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना तथा उनके कार्य में मदद करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसी को हम तंत्रिका श्लेष्म या न्यूरोजिया कहते हैं। इसका ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका श्लेष्म मिल करके नर्व्स बनाती हैं, नर्व्स जिसको हम तंत्रिकाएं कहते हैं, जो कि आपके शरीर में यहाँ पर पूरा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो।
बच्चों हमारा जो शरीर है अंदर से पूरी तरह से सब कुछ कोशिकाओं से ही बनाया गया है। उसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तंत्रिका श्लेष्म है, नर्व्स हैं, नसें हैं जिसमें से रक्त वगैरह भ्रमण करते रहता है। लेकिन खाली बाहर से जब आप देखोगे तो कोई काला है, कोई गोरा है, रंग सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर का जो रचना है वो सबका एक ही जैसा है। तो ये सब कोशिकाओं की वजह से होता है। तो कोई भी कार्य जब हमको करना होता है, जब कोई कृति करनी हो या गतिविधि करनी हो, तब सबसे अंतिम कार्य जो होता है ना वो मांसपेशी का होता है, क्योंकि हम इस शरीर के आंतरिक भाग के ऊपर जो है वो क्या है, वो मांसपेशी ही है, उसके द्वारा जो है सारे कार्य होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो मनुष्य का जो पूरा ये शरीर दिखाया गया है बच्चों, ये जो ऊपर का जो भाग है एक अपर पार्ट और उसके बाद ये लोअर पार्ट जो है, ये इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मांसपेशी से बनाई गई है। सेम चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे थे बच्चे तंत्रिका कोशिकाओं की, तो किस तरह से इसके नाम है देख सकते हो यहाँ पर, केंद्रक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिकाओं की आकृति बनाइए, तो आप इस आकृति को बना करके यहाँ नाम दे सकते हैं केंद्रक का। वृक्षिका है बच्चों, देख सकते हो वृक्षिका है। उसके साथ साथ साइलिन का जो आवरण है, तो ये आकृति जो है ये अंदर जो हम देख नहीं सकते हैं, इसको हमारे साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप की सहायता से देख करके तो हमारे लिए ये जो चित्र है उसको बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से अंदर दिखता होगा, क्योंकि हम अपनी खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। तो यही है तंत्रिका कोशिकाएं, और तंत्रिका कोशिकाओं के भाग में जो ये पार्ट जो है बच्चों आप देख सकते हो, ये है तंत्रिका का सिरा, तंत्रिका का सिरा। और यहीं पर इस पार्ट के अंतर्गत जो है आप देख सकते हो संपर्क खंड है, और उसके अंदर कुछ द्रव्य निर्माण होते हैं, जो द्रव्य जो है हमारे शरीर के अंदर क्या करते रहते हैं, गमन करते है। तो यहाँ पर आप थोड़ा और देख सकते हो कि किस प्रकार से केंद्र जो दर्शाया गया है वृक्षिका और श्वास की पेशी है। सेम चीज तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक मेणबत्ती जल रही है, और मेणबत्ती से जो प्रकाश निकल रहा है, अगर हम अपने स्नायु के माध्यम से, स्नायु मतलब हाथ है, अपने हाथ को जो है यहाँ पर स्पर्श करते हो, इसको स्पर्श करते हो तो आपको तुरंत आभास होता है, गर्मी का आभास होता है, क्योंकि मोमबत्ती जलेगी तो गर्माहट प्रदान होगी। तो ये जो गर्माहट जो आपको प्रदान हो रही है, तो तुरंत ये गर्मी जो है आपके हाथ को मालूम पड़ती है, और हाथ जो है तुरंत ये चेता पेशी को पहुंचाता है, चेता पेशी के माध्यम से तुरंत मस्तिष्क में चल आपको खींच लेते हो। तो ये इस तरह से आदान प्रदान को जो है यहाँ पर किया जाता है, जो कि आपको बताया गया था कि सही जगह इसका वहां करने वाला विशेष को ही उसी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों देख रहे हो कि किस तरह से आग यहाँ पर और चेतापेशी से होते हुए जो है वो दिमाग के आभास ही वो चीज है जो गर्म है हमारे लिए नुकसान है, आप अपने हाथ में करते हो तुरंत पीछे की ओर खींच लेते हो। अगर इस के बस अक्का टुकड़ा रखता है तो आप पसंद करते हो तो आपको ठंडा लगता है, थोड़ा तक बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन
वीडियो। हाँ आवाज जो बच्चों आपको स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर, हाँ स्क्रीन स्क्रीन पे, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से गर्माहट जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाई जा रही है। तो ये देख सकते हो बच्चों यहाँ पर कि ये जो निर्माण हुआ है यही क्या है, आवेग है। चाहे गर्माहट हो, चाहे शीत हो, ठंड हो, ये जो आवेग उत्पन्न होता है, आवेग का मतलब होता है कि बच्चों किसी भी प्रकार की क्रिया जब आप करते हो तो आपको ठंडी लगे, गर्मी लगे, जो भी रिएक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो शरीर में मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जो है मस्तिष्क आपको दिखाया गया है, शरीर का जो पार्ट है मस्तिष्क उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। देखिए ये आपका मस्तिष्क है और अंदर जो है किस तरह से तंत्रिकाएं जो हैं, कोशिकाएं जो हैं वो दिख रही हैं। और ये विद्युत आयोग, ये जो दिख रहा है बच्चों यही क्या है, विद्युत आयोग है। जो भी एक्शन रिएक्शन होते हैं तुरंत इसी के द्वारा जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों की एक भाग से लेकर के शरीर के दूसरे हिस्से तक जो है किसी भी गतिविधि को पहुंचाया जा सकता है मनुष्य के मस्तिष्क के अंतर्गत। और मनुष्य का जो शरीर है पूरा कोशिकाओं का ही जाल है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। यहाँ पर भी देख सकते हो बच्चों कि ये जो मस्तिष्क है इसको यहाँ पर छोटा दिमाग, ये इसको दिमाग कहते हैं। और यहाँ से जो है मेरु रज्जु का जो कनेक्शन होता है जो कि शरीर के पीछे की तरफ रहता है, हमारे बैक बोन जिसको बोलते हैं, ये मेरु रज्जु जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सेम चीज यहाँ पर वही सिचुएशन बच्चों वापिस से है कि देखिए मेमबत्ती है उसको टच किया गया है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से होते हुए इस प्रकार से पेशिकाओं से गुजरते हुए जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है और उससे जो है हमको पता चलता है कि क्या गर्म है क्या ठंडा है। चेता पेशी, फिर से एक बार यहाँ पर जिक्र किया गया बच्चों चेता पेशी का कि जो किस तरह से दिखाई देती है और हमारे शरीर में जो विचार है उनको आदान प्रदान करती है। बच्चों क्या आपको पता है कि मनुष्य का जो शरीर है सजीव अर्थात इंसान, तो सजीव के अंतर्गत बहुत कई ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो बच्चों सजीवों की ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं और क्या उनके कार्य हैं, एक प्रकार इस प्रकार का जो प्रश्न है एक पूछा जाता है। तो सजीवों की ज्ञानेंद्रियां तो आपको पहले से ही पता है कि कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नाक, सजीव की जो 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से एक है नाक, दूसरा है आँख, नाक से हम सूंघ सकते हैं किसी भी चीज को, आंख से जो है देखा जा सकता है। कान, जिसका उपयोग आप सबको पता है कि कान का जो उपयोग होता है वो सुनने के लिए किया जाता है। और जो जीभ है इससे आप किसी भी चीज का टेस्ट ले सकते हो, आपको पता चलता है कि जी सामान जो आप खा रहे हो तीखा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है या उसका कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पता चलती हैं जीभ के माध्यम से। और बच्चों जो लास्ट का ये है ज्ञानेंद्रिय वो है आपका शरीर, आपका शरीर यानी आपकी त्वचा। त्वचा को कोई भी अगर स्पर्श करता है तो आपको पता चल जाता है तो किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे टच किया है। चींटी भी अगर काटती है, खटमल काटता है, मक्खी काटती है और कोई भी चीज आपका शरीर टकरा जाता है तो आपको स्पर्श महसूस होता है। किसी को बुखार वगैरह भी है तो भी आप उसको टच करके जो है आपको पता चल जाता है। तो ये हमारे शरीर की क्या है बच्चों, ज्ञानेंद्रियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा सजीवों की ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं तो आपको ये 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम रखने हैं और इसके कार्य भी आप जो है वो भली भांति एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे
घर में अगर कोई चीज बन रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाता है हाँ कि घर में बिरयानी बन रहा है, कि पुलाव बन रहा है, कि खीर बन रही है, तो गाजर का हलवा बन रहा है, वड़ा पाव बन रहा है, तो भजिया बन रही है, तो कुछ भी चीज बन सकती है। तो उसका जो स्मेल होता है वो हवा के माध्यम से आपके आंखों तक, आंखों से तब आप देख सकते हो, वो आपके नाकों तक पहुंचती है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से जो है तो खुशबू जो है उसको आप सूंघ लेते हो, तो ये नाक का कार्य जो है आप देख सकते हो। आंखों का तो पहले देख चुके हैं कि आंखों से क्या हम किसी भी चीज को देखा जा सकता है कि कौन सा रंग है, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सभी रंगों को देख सकते हो। अगर आंखें नहीं होती तो सोचो ये दुनिया आपको कैसी लगती, सब कुछ एकदम ब्लैक होता, कुछ भी आप देख नहीं सकते थे। इसीलिए आंखें हर शरीर का, हमारे शरीर के जो भी अंग हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आंखें जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक अंग मानी गई हैं और हमें हमारे आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नाक है उसका उपयोग जो है सूंघने के लिए किसी भी चीज को कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि ध्वनि की जो तरंगे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है हमारे और आपके बीच में मोबाइल है, और जब आप आमने सामने बात करते हो तो बीच में क्या होती है, हवा होती है। आपको पता है कि हवा के माध्यम से जो है, पानी के माध्यम से, तो वाइब्रेशन के माध्यम से कोई भी चीज है ना आपके कानों में क्या होती है, गुजरती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से कानों के माध्यम से सुना जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हो कि जीभ, जीभ का जो प्रयोग है वो आप किस लिए कर रहे हो, टेस्ट लेने के लिए। जब आप चाय पीते हो तो आपको गर्म लगता है, आइसक्रीम यहाँ पर देखो खाया जा रहा है तो आपको आइसक्रीम का स्वाद मिल रहा है, वो ठंडी होगी, उसमें क्या क्या विटामिन मिले हुए हैं, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, वो सब चीज आप आभास कर सकते हो। तो जीभ का उपयोग जो है उसको हम टेस्ट लेने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर देख पाओगे एक बच्चों, ये जो पुष्प है, फ्लावर, गुलाब का जो फूल है, इसकी खुशबू जो है वो ली जा रही है। तो देखो किस प्रकार से नाक के माध्यम से खुशबू जो दर्शाई गई है। फिर त्वचा, चाहे ये जो फेदर देख रहे हो आप, ये जो फेदर है पंख, उसको आप चाहे हाथ पे रखो, पैर पे रखो, शरीर के किसी भी हिस्से पे रखोगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कोई तो चीज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब दिखाई देता है। बच्चों, जैसे इंसानों में ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं, वैसे ही जानवरों में भी, वनस्पतियों में भी अलग अलग प्रकार की ज्ञान इंद्रियां जो है वो पाई जाती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ डॉग है, ये हॉर्स है, घोड़ा है, यहाँ पर बिल्ली है, ये हाइड्रा नामक वनस्पति है, तो इनके भी विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय जो है वो होते हैं। मेन चीज देखो बच्चों, ये हड्डी होता है, इसी हड्डी के ऊपर मांस चढ़ती है और उसी मांस से क्या होता है, इंसान को एक शेप मिलता है, एक आकार मिलता है। अगर यही मांस ऊपर पर से निकल जाती है, अगर मांस जो है खाली गल जाती है पूरी तरह से, तो इंसान जो है वो देखने लायक नहीं रहता है। दिखाई देता है तो सिर्फ क्या दिखाई देता है, उसका ढांचा दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। उस स्केलेटन को अगर आपने अपने स्कूल के प्रयोगशाला में देखा होगा तो मनुष्य का स्केलेटन, मनुष्य का शरीर का ढांचा जिसको कहते हैं, उसको अगर आपने देखा होगा तो सभी इंसानों की जो अंदर से बनावट है वो वैसे ही दिखाई देता है। जो रूप रंग है ये बाहरी सुंदरता है। तो जिस तरह से मैंने एक मूवी देखा हुआ था बच्चों, नाम था मूवी का दृश्यम। दृश्यम के अंतर्गत कुछ पुलिस कार्यवाही चलती रहती है, तो उसमें उन लोग एक कई महीने पहले एक डॉग को जमीन में गाड़ के रखे रहते हैं और बाद में उसकी जब खुदाई की जाती है तो वहां से डॉग जब निकलता है ना, तो उसका खाली क्या दिखाई देता है, पंजर दिखाई देता है। मतलब उसकी खाली हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती हैं और मांस पूरा क्या होता है, गल गया रहता है।
तो वैसे ही चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे दूसरी भी जानवर क्यों ना हो, गांव वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से अगर कोई जानवर जो है मर जाता है तो उसको फेंक देते हैं और उसकी बदबू जो है चारों तरफ फैल जाती है, तो नाक के माध्यम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई जानवर मारा गया है, और बाद में उसके मांस पूरे गल जाने के बाद बचता है तो सिर्फ उसका ढांचा बचता है। तो इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रियों के अंतर्गत आपने ये सब चीजों को समझा, ये पांच मुख्य ज्ञानेन्द्रिय हैं और जिसका केंद्र क्या है, कहां से पता चलता है, ये मस्तिष्क, मस्तिष्क ही ये सब सारी ज्ञानेन्द्रियों का मुख्य मार्ग है, उसी से हमको इस चीजों का क्या होता है, आभास होता है। तो बच्चों मनुष्य की जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके तीन प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार यहां पर देख सकते हो बच्चों, नंबर वन संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं और तीसरा है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं। ये सभी कोशिकाओं के कार्य क्या क्या होते हैं, तो पहला अगर देखोगे संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं, ये रिएक्शंस जो हैं वो ज्ञानेन्द्रियों से लेकर के जितनी भी ज्ञानेन्द्रियां हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। उसके बाद प्रेरक तंत्रिकाएं जो हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं ये रिएक्शंस को ये भी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से लेकर के मांसपेशी, मांसपेशी या अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और जो सहयोगी है इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सपोर्ट करती हैं। सह संबंध, सहयोगी का मतलब ही होता है सह संबंध बना करके रखना। सह संबंध तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं ये तंत्रिका तंत्र को एकजुट करके रखती हैं, मतलब ये दोनों की क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये उनके कार्य हैं। उसी चीज को अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार बताओ, तो ये आप ये तीन प्रकार जो है वो बता सकते हो और उनके कार्य क्या क्या हैं, ये जो कार्य आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस कार्य को आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सब कार्य इंटरनली शरीर के अंदर होते रहता है इसलिए आपको पता नहीं चलता है, बट वही उनका क्या है, कार्य है। मानवीय तंत्रिका तंत्र, आगे देखते हैं बच्चों, ये देखो ये जो दिखाया गया है ये मानवीय तंत्रिका तंत्र है, मतलब मनुष्य का कि कोशिकाएं जो है शरीर में किस प्रकार से ऊपर से लेकर के नीचे तलक पूरा जालों से बुनी हुई हैं। तो मानवीय तंत्रिका तंत्र जो है वो किस तरह से बनाया गया है, ये बच्चों यहाँ से ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ लिखा हुआ है CNS, जिसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी को आप हिंदी में कह सकते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलो या तो मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र बोलो। ये सब वर्ड्स जो हैं साइंटिफिक वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जल्दी भूल सकते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा इसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मानवीय तंत्रिका तंत्र मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। उसके जो है तीन प्रकार होते हैं, एक है मध्यवर्ती, दूसरा है परिधीय और तीसरा है स्वयं निर्देशित, मतलब वो खुद रिएक्शंस देते रहते हैं। तो यहाँ पर इस भाग में हम लोग खाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो है अध्ययन करने जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मुख्य हिस्सा है वो होता है मस्तिष्क। तो इसके भाग जो है आप देख सकते हो मानवीय तंत्रिका तंत्र, इसका मुख्य भाग क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कंट्रोलर होता है, दिमाग, हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करने का जो काम होता है वो मस्तिष्क करता है। जैसे यहाँ पर आप और देख सकते हो कि मस्तिष्क, ये ऊपर ये जो पार्ट है आपका ये मस्तिष्क है, यहाँ पर ये देख सकते हो ये
और किस तरह से जो ये है ना, ये हिस्सा जो है, इसको तीनों जो प्रकार आपको बताए गए हैं, ये वो हैं तीनों प्रकार संवेदी तंत्रिका, तो पहला, दूसरा और तीसरा, कि पीछे से अगर आप देखोगे तो किस तरह से इसकी रचना जो है वो रहती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो ऊपर का पार्ट है, ये स्वयं से संस्थाएं जो हैं वो इस तरह से दिखाई देती हैं, जो फ्री रहती हैं किसी भी रिएक्शंस को पहुंचाने के लिए शरीर के अंदर। और ऊपर से लेकर के नीचे तक का ये जो पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ऊपर का पार्ट जो होता है, ये इतना पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके नीचे का जो पार्ट होता है, ये होता है परिधीय नर्वस सिस्टम। तो बच्चों ये देखो, ये है आपका मस्तिष्क, जो अंदर से ऐसा रहता है, बाहर से सब भले हमको एकदम अलग से दिखाई देता है, तो कुछ दिखता ही नहीं है बाहर से, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो किस प्रकार से, ये देखो बच्चों बनाया गया है, ये देख लीजिए। और ये जो है, ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जो मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, यहाँ से उसका कनेक्शन है। तो इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बच्चों जो मनुष्य है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो कटोरी के अंदर जो कि हार्ड होती है, काफी कठोर होते है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी का इंग्लिश वर्ड है स्कल, SKULL। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो सर के खोपड़ी के अंदर क्या होता है, सुरक्षित होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई बाइक वगैरह चला रहा है, कभी ट्रेन से या फिर और किसी दूसरे वाहन से अगर उसकी कभी दुर्घटना हो जाती है, मस्तिष्क में अगर चोट आ जाती है, तो सोचो इतना कठोर होने के बावजूद चोट अगर अंदर लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा और मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाहर जो है खाली आपको मांस दिखाई देंगी, लेकिन अंदर सब ऐसे ही रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि किसी मनुष्य का जो दिमाग है वो कटोरी के अंदर, मतलब खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, जो कि बहुत ही कठोर होती है। ये देखिए, ये भी मस्तिष्क के अंदर का ही भाग है, और ये मध्य पटल इस पार्ट को कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये भाग क्या है, मध्य पटल है। इसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं, आगे की क्लास में आप इसको डिटेल में भी पढ़ पाओगे। देखो यहाँ पर भी मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाद क्या दिखाया गया है, मेरु रज्जु दिखाया गया, स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप कह सकते हो। और मस्तिष्क के बारे में और अधिक आप क्या समझ सकते हो बच्चों, कि कोई भी अगर वयस्क मनुष्य है, एडल्ट जिसको बोलते हैं, उम्र 18 से 21 साल, तो गर्ल्स के लिए 18 साल माना गया है, और बॉयज के लिए, मेल के लिए वो 21 इयर्स है, 21 इयर्स में वयस्क कहा जाता है, यानी एडल्ट। किसी वयस्क मानव मनुष्य मस्तिष्क का जो वजन होता है, भार मतलब वजन, किसी वयस्क मानव मस्तिष्क का भार यानी वजन जो है लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। लगभग इसलिए है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है, उसका खान पान कैसा है, तो इसीलिए इसके बीच में ही होता है। बच्चों के दिमाग का वजन इससे कम होता है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कंट्रोलर होता है, इसको आपने पहले ही देख चुके। तो इस तरह से मस्तिष्क के बारे में अधिक जानकारी जो है आप देख लिए, कि किस प्रकार से मस्तिष्क होता है, उसका वजन वगैरह क्या होता है। देखिए ये व्यक्ति है, और यहाँ पर वापिस उसके मस्तिष्क की बात की जा रही है, मस्तिष्क के अंदर का क्या है यहाँ पर आप दिखाया गया है। और मस्तिष्क की रचना, बच्चों पेपर में मस्तिष्क की रचना करने के लिए आता है, कि मानव मस्तिष्क की रचना करो, मानव मस्तिष्क की रचना करो, तो आपको ना ये चित्र बनाना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क की रचना में बच्चों इसके तीन प्रकार हैं, एक है देखो प्रमस्तिष्क, एक है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ,
यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्ट होता है मनुष्य के मस्तिष्क का, दिमाग का ऊपर के इस हिस्से को कहते हैं प्रमस्तिष्क, इस हिस्से को कहते हैं अनुमस्तिष्क, और यहाँ पर क्या है बच्चों, मस्तिष्क पुच्छ है, और यहाँ से निकला हुआ है क्या, मेरु रज्जु। तो ये चार लेबलिंग जो है वो आपको करने होंगे, और इसी चीज को और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर इस चित्र के अंतर्गत जो है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रामस्तिष्क वलय क्या है, अनुमस्तिष्क सेतु क्या है, मेरु रज्जु क्या है, सेम चीज वहां पर आकृति में जो है वो दर्शाई गई है। मनुष्य का जो दिमाग होता है ना बच्चों, ये दो हिस्से में बटा हुआ होता है। मनुष्य का दिमाग दो हिस्से में बटा होता है, एक होता है राइट साइड बच्चों, एक होता है राइट साइड, दूसरा क्या होता है लेफ्ट साइड। तो इस आकृति को आप ध्यान से देखो तो मस्तिष्क के दाईं ओर का जो दिमाग होता है वो किस किस चीजों के विकास में कार्य करता है। जैसे कोई भी अगर कार्य हुआ है उसके बारे में आपको पूरा विचार विमर्श करना है, एनालिसिस करना है, किसी भी कार्य के बारे में एनालिसिस करना है। जैसे कि अभी अब तक आपने अपने लाइफ में क्या किया है, जन्म से लेके अभी तक आप अपना एनालिसिस करो, तो इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक विचार। कोई भी लॉजिक अगर आपको लगाना रहता है कि एक के बाद अगर तीन आया, तीन के बाद पांच आया, पांच के बाद सात आया, तो सात के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कोई भी लॉजिक अगर आपको लगाना रहता है, तार्किक विचार, तो ये कार्य जो है वो दायां मस्तिष्क करता है। चाहे गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करने हो या साइंस के बारे में जानकारियां वगैरह इकट्ठा करनी हो, तो आपको पता है कि साइंस का कोई अंत नहीं है, स्टार्ट कहाँ है लेकिन अंत का बिल्कुल पता नहीं है। हमारे साइंटिस्ट जो हैं आज भी इसके बारे में जानकारियां ग्रहण कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाने के बारे में अधिक क्या क्या जानकारियां हो सकती है, वो सब कलेक्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि सभी के जो दिमाग होता है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, सबकी अलग अलग होती है, तो ये कृत्रिम नहीं है। ईश्वरी ने जैसा जिसको दिमाग दिया है उस हिसाब से वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर सभी का दिमाग अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर सभी का दिमाग एक जैसा हो जाएगा तो कोई किसी को सुनेगा नहीं। तो जो दायां हिस्सा होता है उसका कार्य क्या है, विश्लेषणात्मक विचार करना, तार्किक विचार करना, विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर को सॉल्व करना। और बच्चों ये जो बाईं तरफ का जो पार्ट है उसका मुख्य कार्य क्या है, इसका ये किस चीजों को डेवलप करता है, ये सर्वांगीण विचार, कोई भी सोच विचार हो सकता है, प्रतिभात्मक विचार, कोई क्रिएटिव थिंकिंग आपके माइंड में आ गई है, क्रिएटिव चीज सोचने के लिए ये जो लेफ्ट साइड का जो मस्तिष्क है वो उसको डेवलप करने का कार्य करता है। नवनिर्मिति मतलब कुछ भी नया बनाने की जो कल्पना है वो करने का ये काम करता है। किसी को आर्ट में शौक होता है, किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को संगीत सुनने का शौक होता है, तो ये सब जो है वो लेफ्ट मस्तिष्क जो है इसका कंट्रोल उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों सेम चीज, मस्तिष्क के दाएं ओर का कार्य जब पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स जो है विश्लेषणात्मक विचार, तार्किक विचार, विज्ञान और गणित, ये तीन पॉइंट लिखना है। प्रश्न कैसे होगा, मस्तिष्क के दाएं ओर का कार्य लिखो तो ये तीनों पॉइंट आप लिख देना, मस्तिष्क के बाएं ओर का कार्य लिखो तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप कवर कर सकते हो। और इस तरह से दिमाग जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, राइट और लेफ्ट में दिमाग जो है वो बांटा गया है। ये भी बच्चों कोशिकाओं के बारे में ही दिखाया गया है, ये भी वही दो पार्ट जो है दिख रहा है आपको राइट लेफ्ट में कि, और मस्तिष्क की रचना आपने पहले ही देख लिया, प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क उच्च, तो वो सब देख लिए। यहाँ पर जो बताया गया था कि किस तरह से किसी को कम्युनिकेशन करने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को विचार करने का शौक होता है, तो ये सब दाईं ओर दिमाग मस्तिष्क का जो दायां पार्ट है, जैसे कि ये थोड़ा सा हिस्सा आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि दायां पार्ट जो है ये सब कार्य कर सकता है, क्योंकि सभी के सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है, वो किस एंगल से सोच रहा है, कैसे डिसाइड। कुछ बच्चे प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी पिकअप कर समझ जाते हैं, कोई भी गणित का सवाल अगर समझाया जाता है तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं एक ही बार बताने में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उनको आप बार बार एक्सप्लेन करो तो भी समझ में नहीं आता है, तो उनकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों अभी हाल ही में मैं एक पिक्चर देख रहा था कि शकुंतला देवी
मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मस्तिष्क की बात चल रही है, इसीलिए शकुंतला देवी करके एक मूवी आ रही थी, तो उसमें एक लड़की रहती है, उसके सामने आप कोई भी गणित के कोई भी फास्ट सवाल, कोई भी सवाल रख दो, वो विद इन सेकेंड उसका जवाब दे देती थी, विद इन सेकेंड। चाहे आप उससे वर्ग पूछो, वर्गमूल पूछो, कितना भी बड़ा गुड़ा पूछो। तो बाद में वो लड़की बेंगलोर की रहने वाली थी, तो वहां से पूरे भारत में तो उसने अपना नाम रोशन की ही, और पूरी दुनिया भर में जो है उसको अवार्ड्स मिले, दुनिया भर के लोग उसको मैथ्स का लेक्चर वगैरह लेने के लिए उसको बुलाते थे कि आप ये कैसे करती हैं। तो अगर आप लोग को मौका मिलेगा तो आप शकुंतला देवी नामक मूवी देखिए, उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें भी अपने दिमाग का उपयोग करना है। देखो बच्चों, दिमाग सबके पास होता है, कौन उसका कितना उपयोग करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखो मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये स्पीच देने में बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर का वो टैलेंट है, एक्स्ट्रा टैलेंट है। प्रमस्तिष्क जो है उसके बारे में डिटेल से बच्चों की, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, ये अर्ध गोलाकार होता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसे देखो बच्चों, ये क्या हो गया प्रमस्तिष्क, ये संवहन, यहाँ पर वापिस से बच्चों दिखाया गया सेम चीज कि किस अंदर की रचना कैसी है। प्रामस्तिष्क, प्रामस्तिष्क को ही क्या कहते हैं बच्चों, मोटा मेंदू, मतलब बड़ा दिमाग, बड़ा दिमाग और छोटा दिमाग ऐसे दो होता है, शरीर सर के पीछे की तरफ जो होता है वो दिमाग पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उस तरफ किसी को भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आघात लग जाएगा, अगर वहां पर आघात लग जाएगा तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, इसीलिए वहां पर उसको मारना पीटना नहीं चाहिए बाहर की तरफ, खास करके सर पे तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये सब जो देख रहे हो बच्चों, ये अलग अलग क्या है उसके कार्य जो हैं वो दिखाए गए हैं कि कौन क्या क्या कार्य करता है। तो अनुमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है। प्रमस्तिष्क क्या हुआ, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अनुमस्तिष्क क्या हुआ, सबसे छोटा भाग, ये भी खोपड़ी के पीछे की ओर रहता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो खोपड़ी के पीछे की ओर रहता है। और इसका जो उपयोग है, आप अपने शरीर से क्या क्या कार्य ले रहे हो, चाहे आप दौड़ रहे हो या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो उसकी विचार क्षमता जो है वो इससे मिलता है। तो इसी का लास्ट पार्ट है बच्चों, मस्तिष्क पुच्छ, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। देखो ये मस्तिष्क दिखाया ही गया है पूरा ये और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेडुला ओब्लॉन्गेटा, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु, और यही है क्या, रीढ़ की हड्डी। कभी कभी क्या होता है बच्चों मालूम है कि मस्तिष्क के सारे कनेक्शंस कहाँ से गए हुए हैं, हार्ट से गए हुए हैं। अगर मेडुला ओब्लॉन्गेटा मतलब यहाँ पर अगर कभी चोट लग गई तो उसका कनेक्शन सीधा हार्ट से है, हमारे दिल से है, तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। उस चीज का इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि अपने सर की क्या करना है, हिफाजत करना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल्स भी बनाया है कि अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो तो हेलमेट पहन करके ही बाइक वगैरह चलाओ। जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, चाहे श्वास लेने की क्रिया हो, चाहे दूसरी भी क्रियाएं हो, यहाँ दिखाया गया है कि कभी कभी हार्ट को अटैक भी आ जाता है, तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ऐसा होता है। यहाँ देख रहे हो कि रक्त का प्रवाह किस तरह से हो रहा है, यहाँ किस तरह से ऑक्सीजन जो है आप लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हो, तो इसी के ठीक पीछे क्या होता है, आपका हार्ट होता है। तो पूरा कनेक्शन जो है वो आपके हार्ट से रहता है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप छींकते हो, खांसते हो या फिर कुछ प्रिपरेशन करते हो, तो ये सब का संबंध जो है मेडुला ओब्लॉन्गेटा से है। तो अगर पूछा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड है क्या, तो आप लिख सकते हो मेरुदंड में स्थिर रहने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अंग। मेरुदंड मतलब अपने जो रीढ़ की हड्डी है, वही बच्चों स्पाइनल कॉर्ड है। आपको पता है कि उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा वजन सामान उठा लिया, किसी ने आपको वहां पर काफी जोर से बेरहमी से मार दिया है पीछे की तरफ, तो वो सब काम नहीं करना है, ताकि मेरुरज्जु को कोई भी चोट ना पहुंचने पाए। और उसका तो अलग से डिटेल है पूरा मेरुरज्जु के बारे में, किस तरह से उसका कनेक्शन रहते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत। तो इतने कम समय में हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरुदंडों में स्थिर रहने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, इसके आगे का सिरा और पीछे का सिरा जो होता है वो चपटा आकार के जैसा होता है। ये देखो बच्चों,
ये है आपका मेरु रज्जू। देखो ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हो, ये टोटल ये मेरु रज्जू है और इसके अंदर जो ये कशेरुकाओं से बनाया गया है। और अगर आप इंडिविजुअल देखोगे ना तो ऐसा चैन के जैसा, जैसे साइकिल का चैन एक एक के नीचे एक एक के नीचे फिट रहता है, वैसे ही हमारा मेरु रज्जू जो है वो भी इस तरह से कनेक्शन जो है उसके दिए रहते हैं। कभी कभी ज्यादा वजन वगैरह उठाने से ना इसके बीच में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, तो उसका हमको डॉक्टरों के पास इलाज करवाने जाना पड़ता है, वरना आदमी क्या होता है वो ठीक तरह से चल फिर नहीं सकता है और रह रहे के उसमें क्या होगा, दर्द महसूस होगा। तो इसीलिए पूरा जो दिमाग है ये और पूरा जो मेरु रज्जू है ये सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखो अलग से आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड कितना महत्वपूर्ण भाग है। तो कुल मिलाकर के बच्चों हमारे शरीर में जो भी भाग हैं वो सभी एक से बढ़कर एक हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी का अपना अलग कार्य है, इसीलिए हमें अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में बच्चों क्या पूछा जाएगा, मस्तिष्क के भाग बताओ, तो आप लिख देना प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ और क्या है मेरु रज्जू। ये चार नाम आपको लिखने हैं, किसमें लिखने हैं, मस्तिष्क के भाग में। और जब उनके कार्य पूछे जाएंगे कि प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के क्या कार्य हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है, ऐच्छिक गतिविधियों का, मतलब आपकी जो भी इच्छा होती है खाने की पीने की कुछ भी कार्य करने की, ये क्या करता है, ऐच्छिक गतिविधियों पर कंट्रोल करता है, मन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है। आपको कोई डिसीजन लेना हो, कुछ याद रखना हो, आप कितने इंटेलिजेंस हो, वो सब का कार्य किसके अंडर में आता है, प्रमस्तिष्क के अंडर में आता है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन होगा प्रमस्तिष्क के कार्य लिखो, आप खाली इस पॉइंट को लिख देना। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क भी यही कार्य करता है, आपके अंदर जो भी इच्छा आती है उसको कैसे दिमाग तक पहुंचाना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, वो काम करती है। और शरीर का जो बैलेंस है, जैसे अभी पिछले स्लाइड में मैं आपको दिखाया था कि एक लड़का दौड़ने की कोशिश कर रहा है, रेसिंग शुरू होने से पहले कैसे आपको अपना कौन सा पैर आगे करना चाहिए, कौन सा पैर पीछे करना चाहिए, हाथ की क्या पोजिशन होनी चाहिए। और फिर वहां देखो एक लड़की एक्सरसाइज कर रही थी लेट करके, तो उसको वो बैलेंस बना रही थी। एक्चुअली शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य जो है वो अनुमस्तिष्क करता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। मस्तिष्क पुच्छ, मस्तिष्क पुच्छ जो कि मेडुला ओब्लॉन्गेटा के बारे में आपने देखा, तो उसका कनेक्शन सीधा हृदय से रहता है, हार्ट से रहता है, इसीलिए उसको बचाना चाहिए। वो सब आप देख ही चुके हो, खांसना छींकना सांस लेना, लार की निर्मिति करना, लार भोजन को पचाने के लिए लार ज्यादा जरूरी होती है। लार अगर शरीर में नहीं रहेगा ना तो हमारा भोजन का पाचन नहीं हो सकता है। किसी भी चीज को जो खुशबूदार चीज देखो, जब आप देखते हो, आप रोड पे चल रहे हो, कोई गरम वड़ा पाव वगैरह बना रहा है, भजिया बना रहा है, तो आपके मुंह में तुरंत लार आ जाती है, तो वही लार जो है क्या करती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। इसलिए लार का आना भी बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, ये तीन नंबर वाले का कंट्रोल है। क्या नाम है इसका, मस्तिष्क पुच्छ, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, और स्पाइनल कॉर्ड, इसको आप लोग देखते ही हो। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, त्वचा कान जैसे संवेदन अंगों से मस्तिष्क की ओर जो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करना। हमारे शरीर की जो भी मांसपेशियां हैं, चाहे हाथ की हो, पैर की हो, कहीं भी हो, तो उसको कंट्रोल करना, उसको इंफॉर्मेशन देना, और एक्शन हो चाहे रिएक्शन हो उसके बीच में कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग मस्तिष्क के बारे में देखें, उसके क्या प्रकार हैं और उन लोग क्या क्या कार्य करते हैं, ये सब चीजों के बारे में अब तक हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया। जैसे कि मैंने पहले बताया बच्चों कि साइंस का कोई अंत नहीं है, और आप अधिक डिटेल में जाओगे तो और ज्यादा जानकारी आप ये सब के बारे में ले सकते हो। अभी आप 9th में हो, 10th में और अधिक जानकारी इसके बारे में मिलेगी। कॉलेज लेवल पर जब आप साइंस पढ़ोगे, जो लोग खास करके मेडिकल वगैरह करते हैं, तो उनको एक एक चीज के बारे में बताया जाता है, एक एक पार्ट के बारे में बताया जाता है डिटेल में।
इसका ताजा ताजा उदाहरण आपने अगर मुन्ना भाई MBBS नामक मूवी देखा होगा तो उसके अंतर्गत देख सकते हो कि किस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों के बारे में बताते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अब आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो सर। यस सर, मेरा एक सवाल है, दिमाग में कितना आदि है? हाँ सर, दिमाग में कितना आदि है? एक मिनट, क्या बोल रहे हो भाई? सर, दिमाग के अंदर कितना सारा हड्डी है? ओए, दिमाग के अंदर हड्डी नहीं है, दिमाग के अंदर हड्डी नहीं है। हड्डी जो है ना वो शरीर में होती है, वो तो आप देख सकते हो कि अगर दिमाग को कभी ओपन किया जाएगा ना, ये तो डॉक्टर बेहतरीन बता पाएंगे कि वो हड्डी नहीं होती है उसके अंदर, वो सब कोशिकाओं से ही बनाया रहता है, उसमें हड्डी नहीं होती। हड्डी शरीर में होती है और शरीर में कुल मिलाकर के 206 हड्डी हैं। ओके सर, लार किसे कहते हैं? आपने बोला लार रहना चाहिए तभी खाना हजम होता है। हाँ बराबर, देखो जो लार है ना, लार एक प्रकार का लिक्विड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से बच्चों की आदत होती है, जो बच्चे सो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके मुंह से क्या होती है, पानी जैसा गिरते रहता है। वो पानी नहीं रहता एक्चुअली, वही क्या रहता है, लार होता है। तो ये कुछ बच्चों के अंदर ना ये एक्चुअली बीमारी का एक टाइप है। तो लेकिन ऐसा गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि लार अगर लगातार गिरती रहेगी ना तो इससे बालक जो होगा ना वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लार आपके शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो वही लार होता है, वो शरीर के अंदर खुद निर्माण होता है। तो कहने का मतलब, कोई भी अच्छा पकवान देख करके ये आप बना नहीं सकते उसको, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना आप लोग बना सकते हो। ये क्या होता है मालूम है, शरीर की रचना इस प्रकार से की गई है कि कोई भी जो चीज आपको पसंद होती है उसकी गंध अगर आपके नाक में जाती है तो उससे क्या होता है, तुरंत लार का निर्माण होता है, अपने आप लार निर्माण होती है, इसको बनाया नहीं जाता है। और उसी से भोजन पचता है और हर व्यक्ति में ये चीज जो है वो बन जाती है, अपने आप बन जाती है। जैसे आप भोजन को खाओगे ना तो लार है ना उसको मिलती रहती है और भोजन जो हजम होते रहता है, ऐसा है। थैंक यू सर। वेलकम डियर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, टिप्पणी लिखी है तंत्रिका का। हाँ, क्या बोल रहे हो? टिप्पणी लिखी है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका बोलो कि सर। हाँ, तंत्रिका कोशिका टिप्पणी लिखी है। हाँ हाँ, तंत्रिका कोशिका पर टिप्पणी लिखी है ना। हाँ, तो आपको क्या लिखना होगा मालूम है, सिर्फ इतना ही लिखना, ज्यादा मत लिखना। शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश, संदेश मतलब समाचार, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश जो पहुंचाया जाता है वो काम करने वाली जो कोशिका होती है उसी को तांत्रिक कोशिका कहते हैं। उसके बारे में और भी डिटेल लिख सकते हो कि इसकी लंबाई कई मीटर तक होती है, वो स्क्रीन वगैरह पे आप लोग ने देख चुके हैं सब। मतलब ये समाचार पहुंचाने का कार्य करती है शरीर के एक भाग से लेकर के दूसरे भाग तक। ओके, उम्मीद है आप इसको और ज्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे और समझने की प्रयत्न करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।